माय डियर कैंडिडेट, आई माई सेल्फ वी के शुक्ला, मेंटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ संस्कार सोसाइटी, जो लगातार काम हम लोग कर रहे हैं, आप सब लोग इसमें शामिल भी हैं उसी वर्क में, mysurejob.com एक नॉर्मल सिंपल और इजी पोर्टल जो हम लोगों ने बनाया था, जिसका ऑब्जेक्टिव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रेशर के साथ साथ में एक्सपीरियंस करियर, जिनको पैकेजेस नहीं मिल पा रहे हैं और जो कानपुर को लेकर के बोलते थे कि यहाँ पैकेजेस नहीं हैं बाहर चलो, उनके लिए एक बहुत बड़ा सीखने को मिला। एक सेक्टर नहीं, शायद वो सारे सेक्टर जिनकी वो उम्मीद नहीं कर रहे थे, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ऑफिस प्रोफाइल्स हैं, जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, अकाउंट्स प्रोफाइल हैं, जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, उन सब में पैकेजेस 50, 80, 1 लाख को क्रॉस जो किया है वो सभी प्रोफाइल्स में आए हैं। और इवन जो बाहर सिटीज़ में जाकर के रह रहे हैं, जो जिनको वापस आकर के लगा कि बहुत बड़ी गलती थी, mysurejob.com के बारे में पता नहीं था, जॉब हंट ड्राइव के बारे में पता नहीं था, इवन हम लोगों ने बहुत ऑर्गेनाइज होकर के कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करी जैसे और बहुत सारे ऐप कर रहे हैं। आज जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग एक कंसल्टेंसी, जॉब कंसल्टेंसी वर्ल्ड से चिड़ ऐसे गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ यहाँ ये किया था, यहाँ यहाँ ये जमा किया था और हमारा कुछ नहीं हुआ। माय डियर कैंडिडेट, मैंने एक बात को लेकर कहा है कि आप अपने पुराने बिटर और ख़राब एक्सपीरियंस के बेसिस में अगर अगली शादी करने जा रहे हैं या अगली कंपनीज ढूंढने जा रहे हैं तो नेचुरल है कि आपकी वाइब्रेशंस आपकी अच्छी नहीं जाएंगी। हर एक्सपीरियंस जो आपने पुराना किया है उसी को नए मान करके नई मीटिंग्स, नई चीज़ों को मत देखिए। और वही लोगों ने नहीं किया, मैंने देखा कि आज mysurejob.com में जब लोग आए हैं फिजिकली उन्होंने विजिट किया, रिसेप्शन पे आए, मुझसे डायरेक्टली मिले और इसके बाद में जब उनकी ज्वाइनिंग आई तो उन्होंने अपने वीडियोस में ये अपलोड करके कहा कि हाँ यहाँ वो चीज़ नहीं है जो हम अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह पे कंसल्टेंसी में कर रहे हैं। जहाँ पे लगातार जो यूनिकनेस है, पहली बात तो जब आप एक बार यहाँ पे मीटिंग करते हैं तो फिजिकली मिल करके जो बात समझते हैं उसका डिजिटल ऐप के थ्रू समझाया नहीं जा सकता। इवन उन सब मेथड्स का यूज़ किया जाता है प्रमोशंस के लिए, आप अच्छे से कंपनीज़ देख पाएँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ में आज जॉब आई है, कौन कौन सी कंपनी में आज इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें जरूर है। बट इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि आपकी ज्वाइनिंग पैकेज, सेक्टर, प्रोफाइल, जॉब केवल नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और माय डियर कैंडिडेट, हम लोगों ने इसमें काम लगातार किया है। एक 13 वाले पैकेज को 33 में जब जंप हुआ है, एक 35 जो काफ़ी बिजनेस ग्रुप में थे, काफ़ी दिनों से वो सेल्स मार्केटिंग कर रहे थे, अपने कोर में नहीं जा पा रहे, काफ़ी दिनों में बिजनेस में लॉस हो गया, कोरोना में गए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपने केबिन में यहीं पर बैठ करके जो उनके साथ शेयर किया वो सारे वीडियो पड़े होंगे। इवन अभी हम लोगों ने कोई उन सब का जो आप पुराने वीडियोस का ही देखने होंगे, बड़े प्रोफेशनल आपको वीडियोस हो सकता है कि ना लगे, लेकिन नेचुरल, जेन्युइन और एक्चुअल जो हम लोग एक नॉर्मल मोबाइल से जो महसूस करते हैं वो आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ऑब्जेक्टिव है आपको एक अच्छा पैकेज दिलाना, ऑब्जेक्टिव है अगर आप IT के हैं तो एक अच्छा पैकेज ले पाएँ, अगर आप अकाउंट्स के हैं तो एक अच्छा पैकेज हो पाएँ, अगर आप प्लांट हेड हैं, मैकेनिकल हैं, टेक्निकल हैं, सेफ्टी इंजीनियर हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से एक आपको जॉब प्रोफाइल मिल पाए। और मुझे बड़ी खुशी है और बहुत प्राउड के साथ में बात कह रहा हूं कि कानपुर में छोटी बड़ी बहुत बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ यहां पे आ चुकी हैं, लगातार लगी हुई हैं और हम कानपुर लखनऊ को बहुत अच्छे से कैटर कर रहे हैं उन पैकेजेस के साथ में जो नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में पैकेजेस कैटर होता है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आज एक कंपनीज़ का ब्रीफ आपको रख रहा हूँ इस दिवाली में कि आपको दिवाली में एक बम्पर वैकेंसीज़ नज़र आएँ, अलग अलग सेक्टर की नज़र आएँ और ये लगातार हम लोग एक दो दिन में काम करते रहेंगे क्योंकि कंपनीज़ में दिवाली विशेष के साथ में उनकी रिक्वायरमेंट शेयर करना, उनसे बात करना, उनसे रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैं उन सारे सेक्टर के एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट्स को इन्वाइट करूँगा, फिजिकली मीट करिए, फ़ोन पे बात करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो आपका लिंक दिया उस पर अपनी डिटेल फिलअप करिए, यहाँ से कॉल आएगी, नंबर है, आप नंबर पे कॉल करिए या फिजिकली विजिट कानपुर में, आप बारह देवी जगह है जहाँ पे आप आकर के फेस टू फेस मिल सकते हैं। और आपकी मैं एक काउंसलिंग, आपका पहले एक पोस्टमार्टम सेशन होता है जिसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, एक कैंडिडेट की प्रोफाइल की पूरी करने के बाद में, लास्ट तक में उसकी पूरी जर्नी जानने के बाद में कहाँ उसको फिट किया जा सकता है उसके डिज़ायर, उसके ड्रीम जॉब में। माय डियर कैंडिडेट, ये लगातार काम हो रहा है। मैं कुछ कंपनी इसके बारे में बात करूं जो इस वीक में या दिवाली के पहले या दिवाली के बाद तक की ज्वाइनिंग, नवंबर तक की ज्वाइनिंग्स को एक लगातार जो बात हुई उनमें मैं बात कर रहा हूं आपसे। पेप्सी में यहां पे जो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है जैनपुर में, वहां पे एक एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख से 6 लाख की अभी बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, MLA ग्रुप एक केमिकल ग्रुप है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग के, ये सीनियर प्रोफाइल है, 8 लाख से 15 लाख का पैकेजेस इसमें चाहिए, थोड़ा सा इसमें समझना आपको भी होगा, इसका JD भी आपको देखना होगा क्या है। और एक बात और समझिएगा,
हम उन सब सेल्स मार्केटिंग के जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उन सबको इन्वाइट करेंगे इसमें। इसलिए इन्वाइट आपको कर रहे हैं कि एक प्रोफाइल मैचिंग और प्रोफाइल मेकिंग ये यूनिकनेस है हम mysurejob.com की, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो सेल्स से ऑफिस प्रोफाइल में आए हैं, ऑफिस वाले सेल्स में कैसे जा सकते हैं, उनकी प्रोफाइल में पुराने प्रोफाइल को एनालिसिस करके एक उनको डायरेक्शन दी जाती है, फिर कैंडिडेट से बात करने के बाद में कंपनीज़ में बात करी जाती है, फिर जो एक मेकिंग करके सेशंस कराए जाते हैं उसका एक अलग फ़र्क पड़ता है, जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो वर्किंग कर रहे हैं वो अलग से एक इम्पैक्ट कैंडिडेट में डाल करके फिर मॉक इंटरव्यूज़ में फाइनल में भेजा जाता है। तो मैंने देखा उससे पैकेजेस बहुत अच्छे जंप कर रहे हैं। MLA ग्रुप में 8 लाख से 15 लाख का पैकेज है। वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, टेक्नो कमर्शियल प्रोफाइल विद एक्सपीरियंस एट सीनियर मोस्ट लेवल टू हैंडल 350 करोड़ ग्रुप। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं और वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। मोनी टीम में सेल्स मैनेजर 70 लाख टू 1.5 लाख के पैकेज के लिए इमीडिएट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। IFL गोल्ड लोन में ब्रांच मैनेजर, गोल्ड अप्रेजर, कस्टमर केयर एक्सिक्यूटिव 2 लाख टू 12 लाख में मथुरा हाथरस अलीगढ़ की रिक्वायरमेंट है। मुथूत फिनांस में लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ के लिए ब्रांच हेड 3.5 लाख टू 5 लाख के पैकेज की रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप कानपुर के लिए डॉक्टर ब्रांड फिनाइल, जिसका आपने सुना होगा, जनरल मैनेजर मार्केटिंग 6 लाख टू 10 लाख है। SBFC फिनांस नोएडा गाजियाबाद के लिए एरिया बिजनेस मैनेजर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 5 लाख टू 10 लाख। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज न्यू दिल्ली सेल्स मैनेजर होम लोन 3 लाख टू 6 लाख। MP बिरला सीमेंट यंग एंड डायनेमिक सेल्स कैंडिडेट इमीडिएट अर्जेंट रिक्वायर इसमें है। सुभाष मसाले FMCG सेल्स ऑफिसर चाहिए, ये एक जनरल मिडिल के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। कलक फैमिली FMCG सेल्स इमीडिएट चाहिए, 35 तक का पैकेज है। नमस्ते इंडिया ब्रांड एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 6 लाख। उत्कर्ष स्मॉल बैंक सेल्स मैनेजर सिक्योर लोन 3 लाख टू 5 लाख। DCB बैंक कस्टमर सर्विस मैनेजर सेल्स 3 लाख टू 5 लाख। रोटोमैक पंप इंडस्ट्रियल सेल्स मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख। अशोक मसाले सेल्स कैंडिडेट 2 लाख टू 6 लाख। ये मेजर रिक्वायरमेंट मैंने आपकी जो सेल्स की हैं वो आपके साथ डिस्कस करी हैं। जो अदर प्रोफाइल हैं टेक्निकल प्रोफाइल, मैं उनको भी कुछ आपके लिए फोकस करूं, जैसे डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी प्रोफाइल मैच कर रही हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी हैं जो टेक्निकल में, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें और आपको बता रहा हूं। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल में, कानपुर फर्टिलाइजर इट इज़ ए वन ऑफ दी नोन ग्रुप, कानपुर में बड़ा नोन ग्रुप है, सबकी चॉइस होती है जाने की। वहाँ पर एनर्जी मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख है। अभी कोरोना के पहले लगभग 17 कैंडिडेट हमारे यहाँ से इंटरव्यूड हुए थे, जिनमें कम से कम 7 कैंडिडेट उस टाइम पे फाइनलाइज हुए। जो फ्रेशर थे वो 25 प्लस के पैकेज में गए। खुशी की बात है कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम लोगों को थोड़ी सी वैल्यू एडिशन मिल जाता है, और जो कैंडिडेट राइट हैं वो भी शायद उसमें जा सकते हैं प्रोफाइल शेयरिंग के बाद में। ट्राइडेंट में प्लांट हेड फैब्रिकेशन हैविंग अ नॉलेज ऑफ फैब्रिकेशन 8 लाख टू 12 लाख। फ्रंटियर स्टील लिमिटेड में बीटेक मेटलर्जी फॉर क्वालिटी कंट्रोलिंग ऑफ रोलिंग फॉर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। एक्सपीरियंस पर्सन विद मिनिमम 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल, फिजिकल एंड मेटलर्जिकल विल बी प्रेफर्ड 4 लाख टू 6 लाख। इंपीरियल ऑटो क्वालिटी मैनेजर लखनऊ, असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर 5 लाख टू 10 लाख। थर्मिट इंडिया प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियर 25 to 40। ट्राइडेंट में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कई सारी हैं, मैं उनके लिए बात कर लूँ। इंजीनियरिंग प्रोफाइल में 2 रिक्वायरमेंट है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है बीटेक मैकेनिकल और डिप्लोमा चाहिए नंबर 1। नंबर 2 एक्सपीरियंस 4 to 5 ईयर। नॉलेज चाहिए लेजर कटिंग मशीन, प्लाज्मा मशीन, वेल्डिंग मशीन, मेंटेनेंस। सैलरी जो आपकी लास्ट सैलरी प्रूफ है या जो इस तरह के सेक्टर में जो चल रही है उससे ऊपर आपको मिलना है, उससे ऊपर ही आप जाएंगे। इंजीनियरिंग में एक दूसरी प्रोफाइल है, 2 इंजीनियर इसमें भी चाहिए। क्वालिफिकेशन बीटेक इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा। एक्सपीरियंस 5 to 8 ईयर। नॉलेज CNC, VMC, HMC, साइमंस, मैकओल्ड एंड न्यू वर्जन मेंटेनेंस। सुपरवाइजर इनको 3rd रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस में 4 चाहिए। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल। एक्सपीरियंस 5 ईयर। नॉलेज मशीन मेंटेनेंस, CNC, VMC, मशीन मेंटेनेंस। 4th रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर और इंजीनियर CNC 2। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल। एक्सपीरियंस 2 to 8 ईयर। नॉलेज जॉब सेटिंग प्रोग्रामिंग CNC, VMC एंड HMC एंड ड्राइंग। सैलरी आपकी लास्ट सैलरी से अबव रहेगी। इलेक्ट्रीशियन 3 चाहिए इसमें। क्वालिफिकेशन ITI इलेक्ट्रीशियन। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स। नॉलेज मशीन मेंटेनेंस। QC इनको इंस्पेक्टर
चाहिए, 10 की पोजीशन इसमें ओपन है। क्वालिफिकेशन 10+2 आईटीआई प्लस आईटीआई, एक्सपीरियंस 1 to 5 ईयर्स इसमें चाहिए, नॉलेज फैब्रिकेशन जॉब इंस्पेक्शन चाहिए, 7th रिक्वायरमेंट है, सीएनसी बीएमसी एचएमसी मिलिंग एंड 4 स्टार ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटर सीएनसी बीएमसी एचएमसी मिलिंग एंड 4 स्टार मशीन, 15 रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन आईटीआई एक्सपीरियंस 1 to 6 ईयर नॉलेज मशीन ऑपरेटिंग, ऑपरेटर प्लाज्मा लेजर कटिंग चाहिए, और इसमें लेजर कटिंग में इनको 5 कैंडिडेट चाहिए, क्वालिफिकेशन आईटीआई प्लस कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें चाहिए, नॉलेज इसमें जो इनको रिक्वायरमेंट है प्लाज्मा लेजर कटिंग मशीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस 2 to 4 ईयर, रोटोमैक पंप 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन सुपरवाइजर फिटर पेंटर टर्नर हेल्पर 11 to 15। रिजनोवा में कानपुर में रिजनोवा जो एडहेसिव है उसमें मैकेनिकल फिटर की रिक्वायरमेंट है, कटारिया ग्रुप डिप्लोमा मैकेनिकल फिटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल के साथ साथ में, ट्राइडेंट रिक्वायर फ्रेशर बीटेक डिप्लोमा इन मैकेनिकल फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनी, ये फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा ग्रुप है, हो सकता है स्टार्ट हो सकता है, थर्मोडाइनमिक्स सर्विस मैनेजर इन थर्मक्स डिवीजन, कैंडिडेट बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होने चाहिए, एक्सपीरियंस इनको चाहिए यूटिलिटी मेंटेनेंस का 50 तक का पैकेज है 50K, एक्सपर्टाइज इन बॉयलर्स भी चाहिए इनको, मिर्जा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ पीएलसी ऑटोमेशन 50 तक का पैकेज है, लोहिया थ्रेड फायर सेफ्टी ऑफिसर इनको चाहिए अर्जेंट 25 का पैकेज है, लोहिया थ्रेड आईटी एक्सिक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सुपर हाउस ग्राफिक डिजाइनर फॉर 9 लोकेशन के लिए चाहिए, सुपर हाउस आईटी एक्सिक्यूटिव आईटी मैनेजर हैविंग ए नो ऑफ सैप एंड अदर ईआरपी सॉफ्टवेयर 40 का पैकेज है। ये मैंने मेजर आपको रिक्वायरमेंट टेक्निकल की शेयर करी माय डियर कैंडिडेट, बट टेक्निकल में और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो आप mysurejob.com के साथ में शेयर कर सकते हैं, और मैं अकाउंट्स और ऑफिस प्रोफाइल की एक मिक्स आपको सारी बता रहा हूँ। थर्मेट इंडिया में जो असिस्टेंट मैनेजर सीए इंटर अकाउंट्स में है 4.5 लाख to 6 लाख की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इट इज़ वन ऑफ द नोन ग्रुप। होटल लैंडमार्क जूनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट चाहिए 15 तक का पैकेज है, रामा हॉस्पिटल एक्सपीरियंस अकाउंट ऑडिटर 25 से 35 का चाहिए, कानपुर लॉजिस्टिक सीए 35 से 50 के पैकेज के लिए, मोनिटी सीए इंटर 70 का पैकेज चाहिए, सुपर हाउस जूनियर सीनियर अकाउंटेंट ऑडिट मैनेजर अकाउंट मैनेजर फिनांस एक्जीक्यूटिव फिनांस मैनेजर 70 तक का पैकेज है, पीएनसी इंफ्राटेक कानपुर लखनऊ आगरा अकाउंट्स ऑफिसर सैप 4 लाख to 6 लाख, चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 लाख to 15 लाख, अशोक मसाले जूनियर अकाउंटेंट मोनिटी जूनियर अकाउंटेंट सुपर हाउस अकाउंट मैनेजर 50 to 80, सैमसंग सीनियर अकाउंटेंट 30, इंडियन ऑयल पंप चार्टर्ड अकाउंटेंट 70, मारुति सुजुकी सीनियर अकाउंटेंट 30, फ्रंटियर स्टील सीनियर अकाउंटेंट 30, चार्टर्ड अकाउंटेंट 50 to 1 लाख। ये मेजर मैंने रिक्वायरमेंट आपकी अकाउंट से रिलेटेड शेयर करी हैं। सेकंड, जो जनरल प्रोफाइल्स हैं जिसमें ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर ईए प्रोफाइल सब आती हैं, उनको भी एक बार शेयर कर रहा हूँ। जगमनी माइक्रोनेट में जो ये जागरण ग्रुप का है कानपुर में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2.5 लाख to 4.5 लाख का है, एमएलए ग्रुप में ऑपरेशन मैनेजर प्रोफाइल 50 का पैकेज है इसमें, जिसमें इंग्लिश प्लस कंप्यूटर स्किल्स प्लस केमिकल बैकग्राउंड इनका केमिस्ट्री का होना चाहिए, थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करते हैं। वीके पैकवेल एचआर कूटर की प्रोफाइल चाहिए, फैक्ट्री सुपरवाइजर चाहिए, कड़क फैमिली मेल एचआर कम फैक्ट्री मैनेजर 35 के पैकेज के लिए चाहिए, सुपर हाउस असिस्टेंट मर्चेंडाइजर फुटवेयर क्वालिटी प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर परचेज 70 का पैकेज चाहिए, रतन हाउसिंग एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट मैनेजर कैशियर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, होटल लैंडमार्क हाउसकीपिंग सुपरवाइजर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जगमनी माइक्रोनेट में ई कॉमर्स एक्सिक्यूटिव 2.5 लाख to 4 लाख, स्टोर मैनेजर 3 लाख to 5 लाख, गोटी मसाले गोडाउन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑडिटर चाहिए 25 पैकेज है, वेद सैस्को मैकेनिकल लिमिटेड में मैनेजर परचेज चाहिए जिसमें इंजीनियर एमबीए विद 7 ईयर एक्सपीरियंस इंजीनियर परचेज चाहिए विद प्रोफेंसी इन कंप्यूटर एंड करस्पॉन्डेंस, मैनेजर मार्केटिंग एमबीए 7 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग ई टेंडर एंड प्रोफेंसी इन कंप्यूटर एंड करस्पॉन्डेंस, वीके पैकवेल परचेज मैनेजर स्टोर एक्सिक्यूटिव एचआर कूटर एचआर मैनेजर 3 लाख to 12 लाख, नरेना हॉस्पिटल में पनकी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुपरवाइजर स्टोर मैनेजर फ्रंट ऑफिस एक्सिक्यूटिव बिलिंग एक्सिक्यूटिव कंप्यूटर ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ब्रिटानिया में सुपरवाइजर स्टोर इंचार्ज शिफ्ट इंचार्ज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये मेजर रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ शेयर करी है माय डियर कैंडिडेट। ये जो मेजर ग्रुप है
उनकी अलग अलग एक रिक्वायरमेंट को लेकर शेयर किया गया। इसके अलावा आपको mysurejob.com को जरूर एक बार देखना है। सैटरडे का जो जॉब हंट ड्राइव है, जो हर सैटरडे को हम लोग लगातार करते हैं, इस बार दिवाली में भी ये जॉब हंट ड्राइव सैटरडे को हो रहा है। धनतेरस वाले दिन में भी हम लोग ये कर रहे हैं कि जिसमें ज्वाइनिंग किसी की रुके नहीं, ये लगातार हम लोग एफर्ट्स हैं। माय डियर कैंडिडेट्स, किसी भी सैटरडे को आपको फिजिकली फॉर्मल ड्रेस में विथ रिज्यूमे आना है। ये एक ऐसा प्रोग्राम जो कॉलेजेस आज नहीं दे पा रहे, सर्टिफिकेट दे रहे हैं बट जॉब नहीं दे पा रहे, लगातार किया गया एफर्ट्स जिसमें बहुत लोगों की ज्वाइनिंग्स भी हो रही है। और माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं बता दूं, जो हमारी यूनिकनेस है, ये जॉब कंसल्टेंसी नहीं है, ये एक सोसाइटी है जिसमें जॉब मेकिंग, कंपनी का JD क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कोर्स केवल नहीं है। कल आपका इंटरव्यू हो तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके साथ में बैठ करके जो शेयर किया जाता है, जो जॉब प्रोफाइल मेकिंग है, प्रोफाइल मैचिंग के साथ साथ में, जिसके लिए संडे को लगातार एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में सेशंस होते हैं, वो हमारी यूनिकनेस है। एक बार कैंडिडेट अगर रजिस्टर्ड हो गया तो वो उसके लिए लगातार कोई भी वो इंटरव्यूज दे सकता है। पैकेज लाने की जिम्मेदारी के लिए उसको कंपनी का JD समझना जरूरी है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ प्रोफाइल मेकिंग। इसलिए सैटरडे को जरूर आइए, और हो सके तो फिजिकली जरूर मिलिए, या टेलीफोनिक जो आप बात करते हैं उस बात में भी अपनी प्रोफाइल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फिजिकली मिलना एक अलग बात होती है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।